तो शुरुआत से शुरू करेंगे, एनीमे के इतिहास को जानेंगे, वो भी इन डिटेल। ऐसा माना जाता है द फर्स्ट जैपनीज एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म वॉज कात्सुडो सासिन। ये शॉर्ट फिल्म 1907 में बनी थी, जो 3 सेकेंड की एक शॉर्ट फिल्म थी, जिसे 50 डिफरेंट फ्रेम्स यूज करके बनाया गया था। ऐसा माना जाता है उस दौरान और भी कई सारे एनिमेटेड फिल्म्स बनी थी, बट नन ऑफ देम एबल टू फुल्ली वेरीफाइड। इन 1912 फर्स्ट एनिमेटेड फिल्म जो जापान के सिनेमाघरों में दिखाया गया, उसका नाम था लेस एक्सप्लॉइट द फ्यू फॉलेट। ओरिजिनली ये एक फ्रेंच फिल्म थी जिसे जापान में रिलीज किया गया था। इन 1917 जापान ने अपना फर्स्ट एनिमे ऑफिशियली प्रोड्यूस एंड ब्रॉडकास्ट किया था, जिसका नाम था देकोबो सिंगाचो मई नो सिपाई। ये एनिमे का शुरुआती दौर था और उस दौरान चॉकबोर्ड एंड पेपर एनिमेशन टेक्निक का यूज किया जाता था। एनिमेशन नया था और कुछ हद तक ही लिमिटेड था, जिसकी वजह से कुछ ही लोग एनिमेटेड फिल्म्स बनाते थे। और फिर आया वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जैपनीज एनिमेटर कई सारे डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे, लाइक जैपनीज एनिमेटर्स हैड टू कम्पीट विद फॉरेन प्रोड्यूसर्स सच एज डिज्नी। डिज्नी उस दौरान नंबर 1 था एनिमेशन के मामले में, और उनके क्वालिटी को मैच करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था जैपनीज एनिमेटर्स के लिए। इन 1930s सेल एनिमेशन टेक्निक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, जिसकी वजह से जैपनीज एनिमेटर कटआउट एनिमेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, विच वॉज चीप बट एन आउटडेटेड टेक्निक। बट स्टिल एनिमेटर्स लाइक यासुजी मुराता एंड नोबोरा ओफोजी ने काफी कमाल के एनिमेस बनाए विद कटआउट एनिमेशन टेक्निक। द फर्स्ट एनिमे मेड एंटायरली बाय यूजिंग सेल एनिमेशन टेक्निक वाज द डांस ऑफ द चागामा, जिसे केंजो मसाओका ने बनाया इन 1934। और जैसे ही धीरे धीरे वर्ल्ड वार नजदीक आता गया, तब एनिमेशंस को कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज किया गया। अगर एनिमे रिवोल्यूशन की बात की जाए, तो वो रिवोल्यूशन आफ्टर वर्ल्ड वार आई। आफ्टर वर्ल्ड वार जापान के 2 बिगेस्ट एंड ओल्डेस्ट एनिमेशन स्टूडियो का फॉर्मेशन हुआ, टोई एनिमेशन एंड मूसी प्रोडक्शन। इन दोनों स्टूडियो का सबसे बड़ा हाथ था एनिमेस को वर्ल्ड वाइड फेमस कराने में। इन दोनों स्टूडियो ने मिलकर फर्स्ट कलर फीचर्ड एनिमे फिल्म बनाई, जिसका नाम था द टेल ऑफ द वाइट सर्पेंट इन 1958, जिसे 1961 में US में भी रिलीज किया गया। इसके बाद टोई एनिमेशन स्टूडियो ने काफ़ी कमाल के फिल्म्स बनाए और काफ़ी गजब का बिजनेस किया बॉक्स ऑफिस पर। और साथ ही साथ टोई एनिमेशन स्टूडियो ने एक कमाल का मेथड इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम था मनी शॉट मेथड। बेसिकली दिस इज अ कॉस्ट कटिंग मेथड, इसमें क्रूशियल या इम्पोर्टेंट सीन को काफ़ी डिटेल एंड हाई क्वालिटी के साथ एनिमेट किया जाता था एज कम्पेयर टू अदर सीन्स इन द फिल्म। और आज भी ये मेथड यूज किया जाता है बाय एनिमेशन स्टूडियोज। मूसी प्रोडक्शन ने अर्ली 60s में कई सारे टीवी एनिमेशन प्रोड्यूस किए, लाइक एस्ट्रो बॉय, किम्बा द व्हाइट लायन, जो काफी सक्सेसफुल एनिमेस थे। और इन सब सक्सेस को देखते हुए मूसी प्रोडक्शन प्रोड्यूस फर्स्ट एनिमे टू बी ब्रॉडकास्ट इन US, बट US में कई सारे रेस्ट्रिक्शन के चलते हुए ये एनिमेस इतने सक्सेसफुल नहीं हुए। 1960s में टीवी काफी पॉपुलर हुआ और वहीं टीवी एनिमे सीरीज का जन्म हुआ। द फर्स्ट एनिमेटेड टीवी सीरीज विच वॉज प्रीमेड इन जापान वॉज इंस्टेंट हिस्ट्री, बट वट रियली मेक टीवी एनिमे सीरीज वेरी पॉपुलर वॉज एस्ट्रो बॉय, विच वॉज प्रीमेड इन 1963। ये एनिमे इतनी पॉपुलर हुई कि इस एनिमे से इंस्पायर्ड होकर कई सारे एनिमेस बनी रिलेटेड टू रोबोट्स एंड स्पेस, और तब एक नया जॉनरा का जन्म हुआ, मेका जॉनरा। 1965 में आई किम्बा द व्हाइट लायन इतनी पॉपुलर हुई कि इसने एनिमे कल्चर को बढ़ावा दिया। और फिर 1966 में सैली द विच एनिमे आई, जिसने मैजिक एंड सोजो जॉनरे को डिस्कवर किया। द फर्स्ट एनिमे एडेप्टेशन ऑफ मांगा वाज साइबॉर्ग 009, जिसे 1968 में बनाया गया, विच वॉज अ ह्यूज हिट। और फिर आए इस डिकेड के आखिरी साल में लॉन्गेस्ट रनिंग एनिमे सजे चैन, जिसके मोर देन 6500 एपिसोड्स है। इन अर्ली 70s मूसी प्रोडक्शन बैंकरप्ट हो गया, जिसकी वजह से फॉर्मर एम्प्लॉयज ऑफ मूसी प्रोडक्शन ने अपना खुद का स्टूडियो खोला, मैडहाउस स्टूडियो एंड सनराइज स्टूडियो। इस दौरान यंग टैलेंटेड एनिमेटर्स ने नए एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमेस बनाए। इस डिकेड की सबसे पहली सक्सेसफुल एनिमे थी असीता नो जोई। ये एक स्पोर्ट एनिमे थी और जापान में काफी बड़ा हिट थी। इन 1974 हेडी गर्ल ऑफ एल्फ एनिमे आई, जो एक सिंपल रियलिस्टिक एनिमे ड्रामा थी जो चिल्ड्रंस के बीच काफी पॉपुलर हुई। नॉट ओनली इन जापान, ये एनिमे यूरोपियन कंट्रीज में भी काफी पॉपुलर हुई। इन दिस डिकेड एनिमेस यूरोपियन कंट्रीज में काफी पॉपुलर होने लगी और आगे चलकर यूरोपियन कंट्रीज में एनिमे रिलीज भी होने लगी। ड्यूरिंग दिस डिकेड एक्शन एंड मेका जोनर के एनिमेस कई सारे आए,
like Mazinger Z, Space Battleship Yamamoto, Mobile Suit Gundam. इतने सारे action and mecha genre animes आने के भी बावजूद different kind of genres के animes भी आए जिसने female audiences को target किया, like Candy Candy and Rose of Versailles, जो आगे चलकर काफी popular anime बनी across the globe. So 60s and 70s तो introduction stage था जहाँ न्यू एनिमेस आए, न्यू जॉनर्स डिस्कवर हुए और कई सारे न्यू कॉन्सेप्ट के एनिमेस बने. सो एनिमे कल्चर को कैसे बूस्ट मिला और कैसे ओटाकू टर्म की डिस्कवरी हुई और कैसे हर टीनेजर एंड यूथ एनिमे टर्म को जानता है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में. तो अगर आपको ये पार्ट अच्छी लगी तो डू लाइक इट एंड शेयर इट. अगर आप इस चैनल में नए हो तो डू सब्सक्राइबर्स, बिकॉज एनिमे से रिलेटेड सारे चीज़ें आपको इसी चैनल में मिलेगी. एंड ऑल्सो यू कैन चेक आउट आवर अदर वीडियोस. आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.